चेयर मानते लगे कहो यहीं गिर गए थे जब आए थे वोट मांगे चेयरमैन साहब। हाँ तो जल्दी बनवाएंगे और आज सुन नहीं रहे हैं। मैं हमीरपुर जिले के भरोसेमपुर कस्बे के धर्मेश्वर बाबा नगर में खड़ी हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोड और नाली का विकास के नाम पे ये जीरो है। ये स्थिति किसी एक गली की नहीं है, ये स्थिति पूरे यहाँ के कम से कम 10 से 15 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर रोड और नाली का कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का बताना है कि कुछ जगहों पर जो ईंट का खड़ंजा बिछा हुआ है वो 25 से 30 साल पहले बिछा हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर विकास के नाम पे पैसा तो आता है, खर्च भी होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को विकास नहीं हो पा रहा है। खड़ंजा नहीं पड़ रहा, वो मार्क निकलेगा, बड़ी परेशानी है हमें। दादी जैसे आप यहाँ पर रहती हैं तो आपके समय पे कभी आपने देखा है यहाँ पे रोड बनते हुए? रोड यहाँ नहीं बने, हम वो कैसी बने हैं? आपकी तरफ कभी नहीं बना रोड? हमारी कहने नहीं कब हम बनवा, रोड नाली कभी बना ही नहीं है? नहीं बनवा। तो इतने साल आपने कैसे बिता दिए यहाँ पर? ऐसे रही आई ने का करें बन जी, अब हमारे काबू हो तो अपन बनवामन का करें, इतने मजबूरी है हमारे, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, कौन सुना ही नहीं है हमारे। कभी कहा है किसी से? हाँ तो एरिया में कहो, मेम्बर से कहो, सबसे कहो है, चेयरमैन थे लगे कहो यहीं गिर गए थे जब आए थे वोट मांगे चेयरमैन साहब। हाँ तो जल्दी बनवाएंगे और आज सुन नहीं रहे हैं। सफाई नहीं रहती है और वहाँ से जो है तो पास कर लिया, इधर नहीं नपवाया है मेम्बर ने। अच्छा हाँ, ये पहली बार आपकी तरफ ये जो नाली और ये खरंजा बिछाए ईंट का, तो कब बिछा था कुछ बता पाएंगे? ये उसके जमाने में बिछा था जब शिवचरण विधायक था। कितना समय हो गया कम से कम? इसमें हो गया कम से कम 30 साल। 30 साल पहले बना था ये? हाँ। अच्छा, और उधर साइड तो कभी बना ही नहीं? हाँ उधर नहीं बना है, पहली बार पास हुआ। हाँ, पहली बार पास हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि अभी यहाँ पे इतनी दिक्कत है और आप ये मिट्टी का काम भी करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या होती है? हमारी समस्या है कि नाली नहीं सही से है और दिक्कत यही है, हाथ में परेशानी होती है कि पानी बरसता है, रात में आदमी गिर जाता है, चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात में, टूट जाते हाथ पाए भी टूट जाते हैं, किसी का कुछ बिगड़ जाता है, जब इतना बरसात में गिरता है आदमी तो बिगड़ते ही नंग नुहार। वोट मांगने आते हैं, कहेंगे वोट दे दो हम रास्ता बनवा देंगे, ये रास्ता कुछ नहीं बनवाते हैं, ऐसे चले जाते हैं वोट लेके, आदमी परेशान होता है बरसात में। गए थे चेयरमैन देख के गए थे, बोले कि अभी बन जाएगा रास्ता, बन जाएगा, अब बनता ही है, साले निकल जाता है बनता ही है। जैसे आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो आप लोग कैसे फिर मैनेज करती हैं, कैसे लोगों का ध्यान रखती हैं? अब क्या करें, जैसे हम आते हैं अब लड़की की शादी है, अब बताओ क्या करें, ऐसे में कचड़े माँ क्या करेंगे क्या ना करेंगे। तो यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं? नहीं आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं। तो फिर तो आपने कहते नहीं कि गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ तक, तो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा था, हम किस्ते कहाँ भाई। जैसे आप यहाँ गाड़ी नहीं आ पाती, आप बजाज सामान लाती हैं तो फिर कैसे लेके आती हैं? मुड़ी में लाती हैं। सर आपके जानकारी में होगा वार्ड नंबर 4 पे जी रोड और नाली को लेकर लोगों को बड़ी समस्या है जिसके लिए वो लोग परेशान हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई समस्या नाली की है हाँ, एप्लीकेशन आई होगी, हमारे सफाई नायक गए होंगे, और अगर सफाई नहीं हुई है तो उसकी हम सफाई कराएंगे। का विकास नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, पर्टिकुलर किसके मकान से कहाँ तक नहीं बनी है हाँ, ऐसा अगर कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम उसको अपने जेई को भेज करके इसमें बना करके उसको रास्ता और नाली बनवा दें। पास तो हो गया था दिसंबर में, 4 महीना हो गया लेकिन बना नहीं है, ऐसा क्यों, काम रोक दिया गया है? कोरोना चला। अच्छा, फिर वो ये चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई, टेंडर होने के बाद भी उनको वर्क ऑर्डर भी दिए गए पर काम शुरू नहीं कराया गया। अब आचार संहिता हटी है, उसको जल्दी ही उनको ठेकेदार से कह करके 2 महीने के अंदर काट पूरा कराया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।